नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में बने पार्क में आए दिन यहां शव जलाया जाता है, जिससे यहां भय का माहौल बना हुआ है। बच्चे भी इस पार्क में खेलने से डरते हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हमारा पुरखा पीढ़ी पीढ़ी बीतक चली जा रही। नहीं भैया, ये पुरखा हमारे यहाँ गड़े हुए हैं और हम दूसरी जगह ले लेंगे। ये जो कल लोनी बनी है ये मकान, इनमें सब मुर्दा रखे हैं। तो ये जानबूझ करके हम सभी आवंटियों को मानसिक टार्चर किया गया और पैसा लिया। औरतें रहती हैं, ये लोग लाठी डंडे से लैस होके आते हैं। अब हम ये लोग चाहते हैं कि एक बार इन लोगों को हम लोग जम के कूटें और खुद कुटाएं। नहीं भैया, इसके हम नहीं सहमत हैं, हम इससे सहमत नहीं हैं। जानकीपुरम के पार्क का हाल बेहाल, पार्क में हो रहे अंतिम संस्कार, लोगों में बना भय का माहौल, पार्क में खेलने से डरते हैं बच्चे, घरों में आ जाती है लाश की राख, अधिकारी नहीं ले रहे कोई सुध। राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में बने पार्क में आए दिन शव जलाए जाते हैं, जिससे यहां के निवासियों में भय का माहौल बना हुआ है। दरअसल लखनऊ के जानकीपुरम सेक्टर जे के इलाके मुर्दों का बसेरा बन चुके हैं। जानकारी के मुताबिक यहां के आश्रयहीन कॉलोनी के सामने बने पार्क में शव जलाए जा रहे हैं। शवों के जलने से लोग डरे सहमे रहते हैं, जिसे लेकर यहां के निवासियों ने बताया कि इस पार्क के चारों तरफ लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सैकड़ों आवास आवंटित किए गए हैं, जहां पार्क भी बना है। घनी आबादी होने के बावजूद पहाड़पुर गांव के निवासी इस पार्क में शव जलाते हैं। बता दें कि इस पार्क में कब्रिस्तान भी है और शमशान घाट भी। लोग यहां अंतिम संस्कार भी करते हैं और लाशों को दफनाते भी हैं। ऐसे में आए दिन होने वाले अंतिम संस्कार से परेशान होकर लोग 5 साल से LDA ऑफिस में शिकायत कर रहे हैं। लोग सालों से LDA ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। पर LDA अफसरों का दावा है कि शमशान के लिए दूसरी जमीन तलाशी जा रही है, जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। तो उधर जमीन के आवंटियों ने भी अपना दर्द बयां किया और कहा कि पार्क में अंतिम संस्कार होने से पूरी कॉलोनी में गंध भर जाती है और जिसकी राख उड़कर घरों में आती है, और बच्चे भी इस पार्क में खेलने से डर रहे हैं। जब से हम लोग यहाँ पे आवंटित आए हुए हैं, मुर्दा हमेशा जलाए जाते हैं, महीने में 4-5 मुर्दे जला देते हैं, और ये कहाँ से आते हैं पता नहीं लगता है, और धुआं होता है, तमाम तरीके के प्रदूषण होते हैं, और 3-4 दिन हम लोगों के यहाँ खाना पीना बंद हो जाता है किसी प्रकार का। उसमें लेटेस्ट अभी 15 दिन के अंदर 4 डेड बॉडियाँ जली हैं, और एक जस्ट मेरे पीछे एक बच्चे की डेड बॉडी गाड़ी गई थी, उसके बाद कुत्ते ने भी नोच के खाई है, और यहाँ धुआं इतना आ जाता है जिसकी वजह से घर में खाना भी नहीं बन पाता है, और बहुत ज़्यादा समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। हम लोग की समस्या भाई साहब ये है कि यहाँ पर लेके आते हैं मुर्दा, जलाते हैं, सब तरफ धुआं उड़ता है, सब लोग घर के अंदर कैद हो जाते हैं, ना बच्चे निकलते हैं, डर के मारे दहशत का माहौल हो। बुरी है कि हम लोग रह रहे हैं, हम लोग 3-3 मंजिल बनवा के और उससे कोई इनकम नहीं पाते हैं, न कुछ कर पाते हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं सर, इसकी कोई ना कोई LDA कुछ नहीं कर रहा है सर, खाली हम लोगों को धोखा दे रहा है। आवंटन के समय जो ब्रोशर LDA का है उसमें ये भी कहीं नहीं लिखा है कि जहाँ जैसी भूमि है वहाँ के आधार पर आवंटन किया जाएगा। यदि यह पहले ही से हम लोगों को पता रहता कि हम लोगों को मुर्दा घाट के पास या शमशान स्थित पार्क के अंदर शमशान स्थित के जगह आवंटन होता, तो हम लोग कहीं से भी आवंटन के लिए प्रतिबद्ध नहीं थे। और यहाँ के निवासी सालों से विभागों के चक्कर पे चक्कर काटते रहे, जब उन्हें कहीं न्याय नहीं मिला तो सेक्टर जे के निवासियों ने लखनऊ जन कल्याण महासमिति के उपाध्यक्ष समाज सेवी विवेक शर्मा से गुहार लगाई, जिसके बाद समाज सेवी ने निवासियों से मिलकर उनका दर्द जाना और लखनऊ विकास प्राधिकरण की वादा खिलाफी पर आरोप लगाते हुए जन समस्याओं का संज्ञान लेते हुए प्राधिकरण पर निशाना साधा। ये आश्रयहीन योजना के लिए जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पर ये दिया है, पार्क के बीच में यहाँ मुर्द घाट बना दिया है,
यहाँ पर 15-15 दिन में चार चार लाशें यहाँ पर जलाई जाती हैं, अजली लाशें यहाँ पर पड़ी रहती हैं। लोगों ने बताया यहाँ काफ़ी परेशान रहते हैं, लेकिन जिम्मेदार अफसर नहीं जाग रहे हैं। इनको जगाना बहुत ज़रूरी है और उसी मुहिम को, ये आप देखिए कि कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है कि उसने भी इनसे इनको निर्देशित करते हुए लिखा है कि यहाँ से तत्काल ये मुर्द घाट हटाया जाए, लेकिन लखनऊ बीसी आराम से बैठे हुए हैं, केवल बीवीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं, बाकी लोगों का आम जनता से उनको कोई लेना देना नहीं है। क्या अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम अभी मैंने आईजीआरएस किया है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी पत्र मैंने भेज दिया है और यहाँ पर अपने मुख्य सचिव हैं उनको भी मैंने ईमेल के माध्यम से सूचित किया है, डीएम साहब को भी सूचित कर दिया है और अब देखता हूँ आगे अगर ये कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इन्हीं सब लोगों के साथ में जनहित का काम करते हुए जनता के साथ में लखनऊ विकास प्राधिकरण के मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन होगा। तो वहीं जब हमारे संवाददाता ने पहाड़पुर के लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के बारे में जाना, पहाड़पुर में रहने वाली एक ग्रामीण महिला ने बताया कि सदियों से यहाँ अंतिम संस्कार का कार्य किया जा रहा है, साथ यहाँ के ग्रामीणों ने और भी कई बातें बताई। जमीन या कब्रिस्तान क्या शुरू से हमारा पुरखन पीढ़ी पीढ़ी बीतता चली जा रही। मेरा कब्रिस्तान है, मैंने पैसा नहीं लिया और कब्रिस्तान छुड़ाया। तो पैसा लखनऊ विकास प्राधिकरण ने दिया कि नहीं दिया आपको? नहीं पैसा नहीं मिला, नहीं यहाँ मुआवजा उठा नहीं रहा और यह जहाँ पेड़ लगे हैं उनके पीछे से ना रोड तक है कब्रिस्तान, पूरी कब्रिस्तान तो इन्होंने इतनी छोड़ाए हैं और बाकी यहाँ से लगा के वहाँ रोड तक के पैसा नहीं लिया। नहीं भैया, ये पुरखा हमारे लोग यहाँ गड़े हुए हैं और हम दूसरी जगह ले लेंगे, कोई लिखित दे नहीं रहा भाई। कल वहाँ डंडा खाना पड़ेगा तो हम लोग काहे वाले नहीं रहे। लोग कहते हैं कि इसका जो मिट्टी कोई हो घर में तो हम लोगों ने पैसा लिया जाए, एक बार दे देंगे, दो बार देंगे, दस बार दे देंगे, लेकिन हमारे पुरखों सवानी कहाँ किसको किसको देंगे। बहरहाल सोचने वाली बात यह है कि एलडीओ को जब मालूम था कि जिस जगह कब्रिस्तान बना था वहीं पार्क क्यों बनाया गया, और पार्क बनाया था तो शमशान स्थल को विस्थापित करके पार्क को विकसित करना चाहिए था। यहाँ जानकीपुरम में जो शव जलाए जाने का मामला है उससे कहीं ना कहीं यहाँ के इलाके के लोग जो है परेशान हैं, वो अपने घरों से बाहर निकलने में भी संकोच करते हैं। यहाँ पर देखिए इस दरवाजे पर कुछ लोग खड़े हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर इनके दरवाजे के सामने जो शवदाह यहाँ बनाया गया है, कब्रिस्तान है जो गाँव का, यहाँ पर जलाया जाता है, क्या समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं? समस्या ये है कि एलडीए ने जानबूझ करके चीटिंग किया है। कोई भी व्यक्ति जब सोसाइटी में ज़मीन लेता है तो वो जा करके देखता है, लेकिन एलडीए जब अलाटमेंट किया तो उसने ज़मीन तो दिखाया नहीं हम आवंटियों को। रजिस्ट्री के समय जो है जब लेआउट उन्होंने नक्शा लगाया तब पता चला उसमें, और एलडीए से वार्ता हुई तो एलडीए ने कहा कि ये इस पर काम चल रहा है, ये जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये जानबूझ करके हम सभी आवंटियों को मानसिक टार्चर किया गया और पैसा लिया, ये सेवा देने का जो उपभोक्ता का फोरम होता है इसके खिलाफ जो है हम लोग मैंने परेशान है। ये जानबूझ करके एलडीए लखनऊ विकास प्राधिकरण के इंजीनियर कर्मचारी और उपाध्यक्ष के द्वारा ये चीटिंग किया गया, पैसा लेने के बाद भी सेवा का सही मौका नहीं दिया उन्होंने। तो समस्या ये है कि हम लोग मानसिक आर्थिक शारीरिक रूप से त्रस्त हैं और हम ये प्रशासन से और वर्तमान मुख्यमंत्री जी से भी ये चाहते हैं कि समस्या का निदान जल्द से जल्द हो जो है। तो ये यहाँ के निवासी हैं, आप देख रहे हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इनके साथ वादा खिलाफी की है। इनको जो मकान यहाँ पर आवंटन किया गया था उनके घर के सामने पार्क बताया गया था, और कब्रिस्तान या शमशान घाट जो होता है वो उसका मतलब ये नहीं होता, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि महीने में चार चार पाँच पाँच लाशों को जलाया जाए, कहीं ना कहीं यहाँ समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं और लोग भी अपने दरवाजे के सामने खड़े हैं, उनसे जानेंगे कि क्या समस्या उत्पन्न हो रही है। समस्या ये होती है कि जैसे शादी विवाह कुछ भी होता है, बच्चे हैं कुछ भी है, ये सब ला के लाश जलाना शुरू कर देते हैं और कम से कम 200-500 के संख्या में आते हैं। हम लोग अगर कुछ करना भी चाहते हैं, यहाँ सब लोग तैयार हैं, अब इस बार तो कुछ न कुछ लोग कर ही देंगे, निश्चित होने वाला है, यहाँ सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। अब हम ये लोग चाहते हैं कि एक बार इन लोगों को हम लोग जम के कूटें और खुद कूटाएँ, तब सरकार को दिखाई देगी हम लोगों का दुख। हम लोग बच्चे इतने छोटे छोटे बच्चे रोने लगते हैं, लाश जलती है, घर में धुआं आता है, उस दिन कोई बच्चे खाना होना नहीं खाते हैं, हम लोग दुखी होते हैं। छोटा छोटा मकान दिया ना, हम लोग शुद्ध रूप से सो पाते हैं बीवी बच्चे, और ना उधर बच्चे बढ़िया सो पाते हैं,
और रहना भी दुर्लभ हो गया। यहाँ इतना धुआं धक्कड़, मतलब चारों प्रकार के लेके सब लाठी डंडा तैयार हो जाते हैं। एक गांव के दम इनको नेता परेता इनको इस तरीके के बना दिए हैं कि ये सब लाठी डंडा लेके चढ़ाए हुए हैं, लाठी डंडा लेके आ रहे हैं। हम लोग चूड़ी तो पहने नहीं हैं, हम लोग भी अब तो ये कुल मिला के समस्या यहाँ सबसे बड़ी जो उत्पन्न हो रही है वो इस पार्क में शव जलाने को लेकर के पूरा मामला आ रहा है। यहाँ के जो निवासी हैं वो इस पार्क के चारों तरफ जो मकान बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं समस्याओं का सबब ये बन रहा है कि पूरी तरीके से यहाँ पर जो शव जलाया जाता है उससे लोग परेशान हैं। और यहाँ पर कुछ लोग और अपने दरवाजे पर खड़े हैं, हम उनसे भी एक बार जानेंगे कि क्या समस्याएँ उत्पन्न होती हैं जब यहाँ पर जो लाश यहाँ पर जलती है तो क्या समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। आप यहाँ के निवासी हैं, क्या दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं? सर दिक्कतें यहाँ इसलिए आ रही हैं कि लाश यहाँ जलती है, धुएँ उठते हैं, बच्चे डरते हैं। कोई रोगी लाश लेके आया है उसे प्रदूषित हो रहा है, हवा प्रदूषित होता है, घरों में बच्चे, ये लोग तब आते हैं सर जब घर पे आदमी लोग नहीं रहते हैं, औरतें रहती हैं, ये लोग लाठी डंडे से लैस होके आते हैं, लड़ाई पर मार पीट पर उतारू हो जाते हैं सर। हम लोग बहुत परेशान हैं, रात को दो दो तीन दिन हम लोग के यहाँ खाना नहीं बन पाता है। बच्चे छोटे से बड़े हो गए, शादी लायक हो गए, लेकिन बच्चों ने इस पार्क का कोई फ़ायदा नहीं उठाया, कभी पार्क में नहीं गए सर। हम लोग बहुत परेशान हैं, मानसिक तनाव में है। अच्छा सर, महीने में 3 लाश, 4 लाश, 5 लाश किसी घर शादी है उस समय ये लोग लाश लेके खड़े हो जाते हैं। ये बताइए सरकार चाहे प्रशासन चाहे मंत्री जो भी हो, इसको हम लोगों की जगह अपने को रख के देखे कि ये कितना दुख की बात है। ये समस्याएं यहाँ के निवासियों को उत्पन्न हो रही हैं यहाँ पर पार्क में लाश जलाने को लेकर के, ये कहीं ना कहीं मामला बढ़ता जा रहा है। आप शासन और प्रशासन को इस पर अपना रुख बनाना होगा और देखना होगा कि यहाँ किसी तरह का विवाद की स्थिति ना पैदा हो। इसके लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण को भी अब देखना होगा, इस चीज़ों को संज्ञान में लेना होगा और संज्ञान लेना भी चाहिए। कहीं आपसी मनमुटाव ना हो और कहीं आपसी समस्याओं को ये जन्म ना दे, किसी प्रकार का यहाँ पर लड़ाई झगड़ा ना हो, जिसके लिए अब लखनऊ विकास प्राधिकरण को भी इसमें बीच में आना चाहिए और हस्तक्षेप करना चाहिए। फिलहाल अभी जिस तरीके से लखनऊ विकास प्राधिकरण की वादा खिलाफी की वजह से यहाँ के निवासी परेशान हैं, कहीं ना कहीं वो अपना रोष व्याप्त कर रहे हैं और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर इनकी समस्याएँ दूर नहीं की जाएंगी तो ये लखनऊ विकास प्राधिकरण के मुख्यालय पर अपना धरना प्रदर्शन भी करेंगे। पर एलडीए के अफसर आंख मूंदे बैठे हुए हैं और आए दिन यहाँ विवाद होते हैं। क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे के इंतजार में है और अफसर तभी चेतेंगे जब कोई बड़ी घटना सामने आएगी? प्राइम टीवी के लिए लखनऊ से रितेश की रिपोर्ट। हमारे इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।